सत श्री अकाल फास्ट न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करती हूं फटाफट अंदाज दे विच। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों तो बाद गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा विच कुताही के मामले से एक्शन लिया। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा विच कुताही के मामले विच एनआईए नूं जिम्मेवारी सौंपी है, जिसके चलते हाई कोर्ट की मदद लई एनआईए अधिकारी नियुक्त किया गया, जिस लई एनआईए इंस्पैक्टर जनरल संतोष रस्तोगी की ड्यूटी लगाई गई है। संतोष रस्तोगी रजिस्ट्रार नूं असिस्ट करनगे। केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब सरकार ने ट्विटर मोर्चा खोले, जिसके चलते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीएम मोदी ते ट्विटर के माध्यम राही निशाना साधिया, जिन्हें सरदार पटेल के कोर्ट के हवाले नाल तंज कसिया, जिस विच लिखा गया कि जिसनों अपने फर्ज तो बाद जान की फिक्र होवे उसनों देश विच बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। 2022 नूं लैके चोण अखाड़ा पूरी तरह पक चुके हैं। दस दिए कि अज विधानसभा चोणां दा ऐलान होवेगा, सो अज तय किया जाएगा कि किन्नी तरीक नूं वोटां पैणियां ने अते चोण जाबता कदों लागू होवेगा, जिसका ऐलान चोण कमिश्नर वालों दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस राही किया जाएगा। पंजाब समेत 5 सूबों में चोणां दा ऐलान होवेगा। दस दिए कि पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर के चोणां होनियां ने। पंजाब दे विच इक गेड दे विच चोण होवेगी जां दो गेड़ां विच होणगियां। इस तों इलावा जेकर गल यूपी दी कीती जावे तां उत्थे 5 गेड़ां विच चोणां होणगियां। सब ऐलान किए जाणगे, जिवें कि सब जाणदे ने कि 26 मार्च सरकार दा आखिरी दिन है, उस तों पहलां चोणां होणियां ने। खास करके गल कीती जावे मार्च दे विच सरकार दा समां पूरा हो जाएगा। कोरोना के वध रहे मामलों ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नवीं पाबंदियों का ऐलान किया, जिसके चलते राज्य में सारिया सियासी रैलियां ते विरोध प्रदर्शनों ते 16 जनवरी तक पाबंदी लगा दी गई है। सारे स्कूल ते आंगनवाड़ी सेंटर भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। हरियाणा में पिछले 24 घंटों दौरान कोरोना के 3748 नवे केस सामने आए हैं, जिसके चलते हरियाणा में हुण तक ओमिक्रॉन वेरियंट के कुल 9 मामले सामने आए हैं। सब तो ज्यादा गुरुग्राम में कोरोना के केस 1879 मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 580 मरीज मिले ने। पंचकूला 313 कोविड के मामले सामने आए हैं। अजिहे विच अजय चौटाला की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है। आप ते संयुक्त समाज मोर्चे विचाले गलबात टुट गई है। किसानों नाल समझौते ते भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया। भगवंत मान ने बयान दिता कि किसानों की उन्होंने कदे कोई गल नहीं चली, पर वह किसानों की पार्टी को शुभकामनावां देंदे ने। इस दे नाल ही वह किसान नेता रुलदू सिंह मानसा ने कहा कि संयुक्त समाज मोर्चा 117 सीटां ते चोण लड़ेगा। पंजाब कांग्रेस की टिकट की वंड नूं लैके वड्डी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार की पहली लिस्ट विच देरी हो सकती है, जिसके चलते अज होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की पहली मीटिंग रद्द कर दी गई है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब कमेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ विदेशी दौरे पर भी ने। बटाला के नेड़े पिंड दाबावाली विच दो पाठी सिंह पाठ करन लैके हथों पाई हो गए। पाठी लखवीर सिंह ने अपने साथी पाठी कश्मीर सिंह नूं बेरहमी नाल तेज धार हथियारां नाल उन्हां ते हमला कर दिता है। जख्मां दी ताब ना चलदे हुए कश्मीर सिंह दी मौके ते ही मौत हो गई है। दस्सिया जा रहा है कि पिंड विच किसी ने घर दे विच श्री अखंड साहिब रख्या होया सी, जिथे पाठ करन नूं लैके दोनों पाठी सिंघां विच झगड़ा होया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पटियाला के गुरुद्वारा दुखनवान साहब नेड़े एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में भयानक अग लग गई। इस कारण लखां का नुकसान होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अग लगन का कारण शॉर्ट सर्कट दसया जा रहा है, पर अजे तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बारे जानकारी देते हुए रेडीमेड गारमेंट एसोसीएशन के आगू नरेश सिंगला ने दसिया कि उन्होंने सूचना मिली थी कि शोरूम में अग लग गई है। जब उन्होंने मौके पर जाके देखा तो दुकानदार का लखां का नुकसान हो गया। दसनयोग है कि जिस शोरूम में अग लगी है वह संघनी आबादी वाले इलाके स्थित है, तो इतने जाने लिए राह भी बहुत तंग है। जिथे सूबे भर में सत्ताधारी कांग्रेस विरोधी सियासी धिरां ने अपने बहुते उम्मीदवार का ऐलान करके अगेती चोन मुहिम विड़ दी है, उत्थे दूजे पासे सूबे के हुक्मरान धिर ने भी इस बार विधानसभा चोणां के प्रचार की आगाज मालवा खिते की धुनी वजो जाने जाते मोगा तो करन दा ऐलान किया है। इस तहत 15 जनवरी नूं ऑल इंडिया कांग्रेस के आगू राहुल गांधी रैली करन लई पुज रहे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के संबंध में श्री अकाल तख्त साहब तो विशाल नगर कीर्तन श्री हरिमंदर साहब के हैड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह, श्री अकाल तख्त साहब के अडिशनल हैड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह की अगवाई हेठ कढ़िया गया। इस मौके सकत्र महेंद्र सिंगाली, सुखदेव सिंह भूरा, मैनेजर गुरिंदर सिंह, निशान सिंह, इकबाल सिंह मुखी, चीफ खालसा दीवान के सुखजिंदर सिंह प्रिंस से संगत मौजूद रही।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का विदेशी योगदान रेगुलेशन एक्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिता है, जिस नाल हुण वह विदेशों तो फंड प्राप्त कर सकेगा ते बैंकां च रखे धन की भी वरतों कर सकेगा। मंत्रालय ने कुछ दिन पहला प्रतिकूल सूचनावां मिलन तो बाद इसका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिता सी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने दस्सिया कि FCRA लाइसेंस बहाल होने तो बाद कलकत्ता स्थित संगठन विदेशों तो फंड प्राप्त कर सकेंगे ते नाल ही बैंकां च रखे पैसे भी खर्च कर सकेंगे। कौमी राजधानी की तिहाड़ जेल तो वड्डी खबर सामने आई, थी जेल च बंद एक कैदी ने मोबाइल फोन निकलन तो बाद हस्पताल दाखिल करवाया गया। जानकारी अनुसार जेल नंबर एक तिहाड़ के एक कैदी ने उस वेले मोबाइल निकले जदों जेल के स्टाफ ने शक के आधार ते उसनू तलाशी देने लिए गया। कैदी नू तुरंत शहर के दीनदयाल हस्पताल ले जाया गया, हालांकि हुण तक उसकी हालत ठीक है पर मोबाइल अजे भी उसके शरीर के अंदर ही है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस गल ते नाराजगी जाहिर की है कि कोई अदालत भगवान नू निरीक्षण लई पेश करन दा हुक्म दे सकती है। इस दे नाल ही हाई कोर्ट ने तिरुपुर जिले के एक मंदिर के अधिकारियों नू मूल वरमुख देवता की मूर्ति नू गवाही लई पेश करन दा हुक्म देने ते एक हेठली अदालत की खिचाई की है। कोर्ट के जज आर सुरेश कुमार ने कहा कि जिहा करन दी बजाय हेठली अदालत के मानयोग जज इस मूर्ति की मौजूदगी का निरीक्षण पुष्टि करने लिए किसी वकील या कमिश्नर नू नियुक्त कर सकते सन ते अपना सिक्का कट सकते सन। मूर्ति नू हटाउण ते संबंधित अदालत विच पेश करन दी लोड़ नहीं हुंदी। इसका कारण यह है कि भगतां दी मानता मुताबिक यह भगवान है। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद।